हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th टर्म 2 एग्जाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज को कम्प्लीट सॉल्व कराया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो और हमारा बताया हुआ समझाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। सो फ्रेंड, चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में दो क्वेश्चन रह गए थे 4.2 एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4.2 एक्सरसाइज का, पहले हम इसको करते हैं। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इन्होंने बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। माने देखो क्या दे रहा है, हाइपोटेनस ट्रेंगल, देखो राइट एंगल ट्रेंगल ये है, हाइपोटेनस आपका क्या दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, और बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। आप मानोगे लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इक्वल टू एक्स। तो एल्टीट्यूड हो जाएगा, पता चल लोगे एल्टीट्यूड हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, एल्टीट्यूड कितना हो जाए 7 सेंटीमीटर एक्स है, तो एक्स माइनस 7, ठीक। तब आप ये आपका हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स माइनस 7। तब आप यूज करोगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, जैसे आपको पता है ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये क्या है एल्टीट्यूड है, या इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। सिंपली जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे रख दीजिए, हाइपोटेनस कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स का स्क्वायर। सिंपली आप जब इसको सॉल्व करते हो 13 का स्क्वायर करोगे 169, इसको तोड़िए एफ माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस का 2ab 2 इंटू ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे 7 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इस 49 को इधर हम लेकर आ जाते हैं तो कितना होगा 990 माइनस करेंगे 6 में से 4 जाएगा 2 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक। इसको 120 को भी उधर लेकर चलते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। दो आप कॉमन कर लीजिए, दो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो को उधर डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। हमारे पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 60 को मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो माइनस का 60, तो फिर माइनस 60 को क्या करना पड़ेगा फैक्टर करो ताकि ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 17 आए, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 7 आए, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6 आए। तो 12 और 5 क्या करोगे, माइनस का 12 प्लस का 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। दो दो को लीजिए, दो को एक साथ, यहाँ x कॉमन कीजिए x माइनस का 12 प्लस का 5, यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस का 12। देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन चल रहा है बिल्कुल क्या है सेम सही चल रहा है। ये हो जाएगा एक हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा x माइनस 12 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ आपका होगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। हमारे पास x 12 चला आया यानी बेस हमारे पास 12 आ गया, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 में से 7 माइनस करोगे कितना होगा 5, तो परपेंडिकुलर 5 ही है। ये ऐसे करके हम क्या किए दोनों साइड्स को कैलकुलेट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का आपसे पूछे था आपको ऐसे करना है,
पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। पहले बेस मानोगे, परपेंडिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस सेवन हो जाएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करोगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है कैसे फैक्टराइज करना है, ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा के आप इसको फैक्टराइज करोगे, एक्स की वैल्यू चली आ जाएगी, यानी एक्स इक्वल टू माने बेस चला आएगा, उसके हिसाब से फिर आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर्स ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर्स ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे वाज 90, फाइंड द नंबर्स ऑफ आर्टिकल। देखो इसमें बोला है कि जितने नंबर्स ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं एक दिन में ना, उसका दो गुना का तीन अधिक क्या है उसका कॉस्ट है। तो सबसे पहले आप मानोगे इसका, लेट आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे, पहले करोगे लेट आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल टू एक्स, ठीक। अब लेट आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल टू इतना, तो कॉस्ट कितना है इसकी, क्या बोला है दो गुने से कितना अधिक, तीन, यानी टू एक्स प्लस का थ्री, ठीक। मान लो इतना कॉस्ट हो गया और इतने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, तो टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक, ये एक आर्टिकल का है, ठीक ठीक ना, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक, एक की कीमत में टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स प्लस थ्री इंटू का एक्स। और आपके पास दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है ये किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, ठीक ना, दिया है ना कि 90 रुपया होता है, सिंपल। तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे, x है ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू जीरो। आपके पास ये एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इक्वल टू जीरो। देखो जब 90 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस का 180, इसको हम 15 और 12 में ऐड तोड़ेंगे, ठीक ना, 15 और 12 में, ठीक, 15 को पॉजिटिव रखेंगे, 12 को निगेटिव रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू का 0, इन दोनों को एक साथ रखो। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा 2x प्लस का 15, यहां पे क्या आएगा कॉमन देख सकते हैं आप, पहले तो माइनस कॉमन करो फिर 6 कॉमन करो, यहां बचेगा 2x प्लस का 15। तो आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, यानी जो हमारा क्या है कैलकुलेशन है फैक्टराइजेशन है बिल्कुल सही है। तो x माइनस 6 और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू का 0, यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। तो हमने 6 माना था, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, x माने 6, पैसा कितना हो गया 2 × 6 + 3, कितना 15 रुपया, 15 रुपया पैसा आ गया, और आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए 6। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज 4.2 का था, ये जो दो क्वेश्चन रह गए थे प्रीवियस वीडियो में, हमने उसको भी कवर कर लिया। अब इसके बाद हम जो नई वीडियो लाएंगे वो एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी चैनल पे नए हो, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो डाले हम, चाहे साइंस हो या मैथ हो, क्लास 9th हो या 10th हो 11th 12th, कोई भी हो, उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स।